अफशां साहिबा इस्लामाबाद से, अगर इंटरसेक्स लड़की को मुकम्मल तिब्बी इलाज के बाद भी लड़कों के अलावा लड़कियों के लिए जज्बात बाकी हों और डॉक्टर का मशवरा है कि आपको लड़कियों के मुकाबले में लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाना चाहिए ताकि लड़कों के लिए जज्बात पैदा हों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम में जज्बात या एक ही जिन से ताल्लुक़ बनाना हराम है और नामहरम से बात करना भी हराम, तो आपके ख्याल में हमें इस मामले में क्या करना चाहिए? क्या हमें डॉक्टर के मशवरे पर अमल करना चाहिए? देखिए, उसका हल ये है कि शादी करें किसी आदमी से, तो जब उस आदमी से निकाह के बाद रिलेशन होता रहेगा मुसलसल और अपनी फीलिंग उसी के लिए पैदा करें सोच सोच के, तो थोड़े दिनों में दिमाग सेट हो जाएगा, इंशाल्लाह ये बीमारी दूर हो जाएगी। ये जायज़ नहीं है कि आप या कोई भी खातून, आपने अपने बारे में तो नहीं पूछा, ज़ाहिर है किसी और खातून के बारे में पूछा है, तो कोई भी खातून जो जिसको ये बीमारी है कि उसकी लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन है, तो लड़कों से दोस्तियाँ नहीं लगा सकती वो, बल्कि लड़के से निकाह करेगी वो, तो निकाह के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो सेट हो जाएगी, क्योंकि लड़कों से दोस्तियाँ शुरू कर दी ना तो लड़कों के चस्का लग जाएगा, फिर जिना की तरफ जाएगी और बदकारी की तरफ जाएगी और आगे उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। डॉक्टर तो सिर्फ एक मेडिकली एक चीज़ को देख रहा होता है, अखलाकियात तो डॉक्टरों का टॉपिक ही नहीं है। जैसे बहुत से डॉक्टरों ने लोगों को हैंड प्रैक्टिस पे लगा दिया कि जी रिलैक्स हो जाता है दिमाग इससे और जो है वो मास्टरबेशन से जो है ना यूँ हो जाता है, वो एक पहलू को देख रहे हैं, हालांकि मेडिकली भी लड़के को नुकसान होता है, लेकिन चलो हम फ़र्ज़ कर लें नुकसान नहीं भी हो रहा, लेकिन कोई ये कोई अखलाकियात भी तो कोई चीज़ होती है ना। नुकसान तो लड़का लड़के से सेक्स करता रहे तो मेरा ख्याल है उसमें भी डॉक्टर कहते हैं कोई, यानी मेडिकली तो कोई नुकसान नहीं, कोई खून की कमी थोड़ी हो जाती है, लेकिन मेंटली बेड़ा गर्क हो जाता है इंसान का, अखलाकी जवाल का शिकार हो जाता है वो। तो मज़हब का टॉपिक अखलाकियात है, मेडिकल साइंस का टॉपिक सिर्फ आपकी बॉडी है, तो मास्टरबेशन से भी मेंटली इंसान बेड़ा गर्क हो जाता है उसका। अल्लाह ने एक उसके अंदर जज्बात औरत के लिए रखे हैं, वो आप अपने हाथ से पूरा कर रहे हैं, तो मेंटली तो बेड़ा गर्क होगा। तो इसलिए डॉक्टरों की सारी बातें नहीं माननी चाहिए, डॉक्टर एक पहलू को देख रहा होता है, दूसरा पहलू को है ही नहीं उसकी नज़र में। एक फैमिली सिस्टम तबाह हो बहाल हो, जिना फैले सोसाइटी में, लोग गलत हरकतें करें, उसके डॉक्टरों को आम तौर पर जो लिबरल डॉक्टर होते हैं उनको कोई दिलचस्पी नहीं होती, बस कहते हैं मेडिकली देखा जाएगा इसको। तो बहुत बड़ा ये एक अलमिया है हमारी सोसाइटी का, तो इसलिए किसी खातून को अगर लड़कियों में दिलचस्पी है लड़कों में नहीं है, तो उसका हल ये नहीं कि लड़कों से दोस्तियाँ लगाएँ, उसका हल ये कि वो शादी फ़ौरन करें और फिर अपने शौहर की फीलिंग अपने अंदर पैदा करें और आहिस्ता आहिस्ता वो फीलिंग सही हो जाएंगी इंशाल्लाह, अल्लाह से पूरी उम्मीद की जा सकती है।